हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन ड्रॉ दी लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दी फॉलोइंग फिगर्स ए पार्ट में है रोम्बस तो आप एक रोम्बस ड्रॉ कर लो ऐसे अब रोम्बस के केस में अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करें तो दो लाइन्स विल डिवाइड रोम्बस इंटू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स तो ये वाले ऑपोजिट वर्टिसिस के थ्रू अगर हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो दिस लाइन विल डिवाइड रोम्बस इन टू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स अगर आप इस रोमबस को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड कर दोगे तो जो साइड वाला पोर्शन है इट विल कम्प्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट ये वाली साइड आ जाएगी इस साइड के ऊपर ये वाली साइड आ जाएगी इस साइड के ऊपर ओके सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दो एल वन सिमिलरली अगर आप ये वाले ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला देते हो तो जो ये वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हुई है दिस लाइन विल अगेन डिवाइड रामबस इनटू टू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स अपर पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पोर्शन सो जब आप इस रोम्बस को स्ट्रेट हॉरीजोंटल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है दिस विल मीट दिस पॉइंट ये वाली साइड आ जाएगी इस साइड के ऊपर ये वाली साइड आ जाएगी इस साइड के ऊपर ठीक है सो दिस इज़ अनदर लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दो एल टू सो इस तरह से रोम्बस के केस में जो भी पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं वो हमने ड्रॉ कर दी हैं अब इन दोनों लाइंस के अलावा आप कोई भी ऐसी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो रोम्बस को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके नेक्स्ट है स्केलीन ट्राइंगल स्केलीलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो सो so, स्के ट्राइंगल के केस में हम ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो स्केली ट्राइंगल को टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके सो so, स्के ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगी जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है इसके वर्टिसेस के नेम दे दो ए बी सी अब इस ट्राइंगल में हम ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस ट्राइंगल को टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके सो दैट मीन्स स्केली ट्राइंगल इज अ नॉन सिमेट्रिक फिगर सो यहां पर हम लिख देंगे नॉन सिमेट्रिक सो इस केस में वी हैव जीरो लाइन ऑफ सिमिट्री नेक्स्ट है पैरेलोग्राम सो so, एक पैरेलोग्राम आप ड्रॉ कर लो अब पैलेलोग्राम के केस में भी देयर इज नो लाइन ऑफ सिमिट्री सो लेट से यह पैरेलोग्राम के सेंटर में एक पॉइंट है सो so, अगर इस पॉइंट के थ्रू हम एक स्ट्रेट हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ करें तो जो अपर पोर्शन फॉर्म होगा इट विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पोर्शन सो so, अगर आप इस पैलेलोग्राम को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है दिस विल नॉट मीट दिस पॉइंट सिमिलरली दिस पॉइंट विल नॉट मीट दिस पॉइंट सो दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री इसी तरह से अगर इस पॉइंट के थ्रू हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगेन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इट विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलोग्राम में अगर आप ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो जो दो पार्ट्स फॉर्म होते हैं पेरेलोग्राम के दोज पार्ट्स विल नॉट ओवरलैप ईच अदर कम्प्लीटली अगर आप इस पैरेलोग्राम को इस डायग्नली स्ट्रेट लाइन से फोल्ड कर दोगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इट विल नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप ऑन दिस लोअर पार्ट दिस पॉइंट विल नॉट मीट दिस पॉइंट सिमिलरली इन दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो अगेन जो दो पार्ट्स बनेंगे पेरेलोग्राम के दोज पार्ट्स विल नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप ईच अदर सो so, पैरलोग्राम के केस में डायगनली स्ट्रेट लाइन्स आर नॉट लाइन्स ऑफ सिमिट्री सो so, इस तरह से पेरेलोग्राम इज अ नॉन सिमेट्रिक फिगर सो so, यहां पर हम लिख देंगे नॉन सीमेट्रिक एंड इसीलिए यहां पर है जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके डी पार्ट है रिक्टेंगल तो एक रिक्टेंगल ड्रॉ कर लो आप अब रिक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स के थ्रू अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पास करोगे तो जो दो पार्ट्स फॉर्म होंगे रिक्टेंगल के दो पार्ट्स विल बी इक्वल एंड आइडेंटिकल सो अगर आप इस रिक्टेंगल को इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो अपर पोर्शन है इट विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पोर्शन दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमिट्री इसको हम नेम दे देते हैं L1। इसी तरह से इन दो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स के थ्रू अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो जो ये वाली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है दिस विल अगेन डिवाइड रिक्टेंगल इंटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स तो जब आप रिक्टेंगल को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है दिस विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमिट्री सो रिक्टेंगल के केस में वी हैव टू लाइन्स ऑफ सिमिट्री रिक्टेंगल के केस में अगर आप डाइग्नली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो लाइक दिस थ्रू अपोजिट वर्टिसेस तो जो दो पोर्शंस फॉर्म होते हैं रिक्टेंगल के मतलब जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म होती हैं दो ट्राइंगल्स विल नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप ईच अदर सो रिक्टेंगल के केस में डायग्नली अगर आप स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करते हो दो लाइन्स आर नॉट लाइन्स ऑफ सिमिट्री नेक्स्ट है स्क्वेयर सो so, एक स्क्वेयर की शेप ड्रॉ कर लो आप सो so, स्क्वेयर के केस में अगर हम ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो दिस लाइन विल डिवाइड स्क्वायर इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स अगर मैं स्क्वायर को स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड कर दूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट सिमिलरली इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट के थ्रू अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट हॉरीजोंटल लाइन तो अगेन दिस लाइन विल डिवाइड स्क्वेयर इंटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट अगर स्क्वेयर को आप इस स्ट्रेट हॉरीजोंटल लाइन से फोल्ड कर दोगे तो अपर पोर्शन विल कम्प्लीटली ओवरलैप ऑन लोअर पोर्शन दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट सो दिस इज वन लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे देते हैं एल वन दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे, दे देते हैं एल टू अब square के केस में अगर आप डायग्नली स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे थ्रू इट्स ऑपोजिट वर्टिसेस तो जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगी दो स्ट्राइंगल्स विल कम्प्लीटली ओवरलैप ईच अदर सो अगर आप स्क्वायर को इस डायग्नली स्ट्रेट लाइन से फोल्ड कर दोगे तो जो ये वाला पॉइंट है दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दो एल थ्री इसी तरीके से ये वाले ऑपोजिट वर्टिस के थ्रू अगर आप एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करोगे तो दिस विल अगेन डिवाइड स्क्वेयर इंटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दो एल फोर सो स्क्र के गेस में वी हैव फोर लाइन्स ऑफ सिमिट्री नेक्स्ट है रेगुलर पेंटिगन अब रेगुलर पेंटेगन के केस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी देयर विल बी फाइव लाइंस ऑफ सिमेट्री ये हमने कहाँ पर सीखा था अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन रेगुलर पॉलीगन की हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं जितनी उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं सो रेगुलर पेंटेगन की होती हैं फाइव साइड्स सो दैट मीन्स रेगुलर पेंटेगन विल हैव फाइव लाइन्स ऑफ सिमेट्री सो लाइन्स हमने कैसे ड्रॉ करनी है इस साइड का मिड पॉइंट लो मिड पॉइंट को इसके जो ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है उसके साथ मिला दो सो so, इस तरह से आप एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन फॉर्म कर लो सो नाउ दिस इज द लाइन ऑफ सिमिट्री लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इट विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सो so, जब आप इस रेगुलर पेंटेगन को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है दिस विल मीट दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल मीट दिस पॉइंट ये वाली साइड आएगी इस साइड के ऊपर ये वाली साइड आएगी इस साइड के ऊपर ये वाली साइड आएगी इस साइड के ऊपर सो so, इसका नेम दे दो L1। इसी तरीके से इस साइड का मिड पॉइंट लो इस मिड पॉइंट को मिला दो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ सो दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दिया L2 इसी तरह से इस साइड का मिड पॉइंट लो इसको मिला दो इस साइड के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ इसको नेम दे दो L3 इसी तरह से इस साइड का मिड पॉइंट लो इसको मिला दो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ इस लाइन ऑफ सिमेट्री को नेम दे दो L4 सिमिलरली इस साइड का मिड पॉइंट लो इसको मिला दो इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ सो दिस इज फिफ्थ लाइन ऑफ सिमिट्री इसको नेम दे दो एल फाइव सो रेगुलर पेंटिंग में वी हैव फाइव लाइन्स ऑफ सिमिट्री थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय